बुलंदशहर से रेशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। कई मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। शिकारपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। बिजली पानी की समस्या से परेशान लोगों ने मोहल्लों में लगवाए जनरेटर्स। बारिश के कारण हुए बिजली लाइनों के फॉल्ट को ठीक नहीं कर रहे हड़ताली कर्मचारी। बिजली कर्मचारियों का दावा, हड़ताल के कारण दहाड़ने वाली सरकार कर्मचारियों के सामने मुनियाने है लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवेश शर्मा है। देवेश जी, लाइट यहाँ पर कब से नहीं है? लाइट पिछले 24 घंटे लगभग, मेरी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया समय, और इस समय जो है यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था हम लोगों ने करवा दी है। और किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? परेशानियाँ बहुत हैं, परेशानियाँ काफ़ी हैं, और क्या कहते हैं, लाइट की भी परेशानी है, दूसरा पानी की परेशानी है। लोग वर्ग जो अब इस समय जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं छोटे बच्चों के, उनके लिए भी परेशानी है, और यहाँ तक कि इतना भी सामना करना पड़ रहा है कि लोग बाग जो इतने परेशान हो चुके हैं कि बच्चों की एग्ज़ाम के लिए इतने परेशान हैं कि अपने प्राइवेट खुद के जनरेटर लगा लगा करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम नितिन शर्मा है। नितिन जी, कितनी परेशानियाँ लोगों को? परेशानी है कि मैंने अभी, मेरे बेटे का एग्ज़ाम है रेनी सेंस में और पढ़ता है वो, मैंने एक प्राइवेट जनरेटर का इंतजाम किया हुआ है अभी, और मेरे घर में एक वृद्ध मम्मी भी हैं और वो परेशान हैं, और ये स्थिति है कि घर की परेशानियों के लिए मैंने जनरेटर मंगाया है। भैया आप देख सकते हो, हमने जनरेटर इसलिए लगवाया है, जैसे भाइयों ने बताया। तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? पानी की परेशानी झेलनी पड़ रही है, 24 घंटे में इतने परेशान है। अब लोग बाग 9-9 बजे तक चलते थे, अब 8 बजे अपने घर में जा के परेशान, अंधेरा हो रहा है, सब लोग सब जगह परेशान है, आप देख सकते हो। ठीक, ये दुकान बढ़ा सर। क्या नाम है आपका? दादा, अभी लगातार धरना चल रहा है आपका, तो क्या अब मांगे हैं आपकी और कब तक चलेगा ये? असल में चलेगा कब तक ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे है कि उत्तर प्रदेश सरकार कब तक हमको लड़ाना चाहती है। जी, जब तक वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ये चलना ही कहते हैं। मांगों का जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि 7 तारीख पिछले साल 3 दिसंबर को इन्होंने समझौता किया था हमारे साथ, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो बिजली का निजीकरण का मामला है, हम बिजली का कोई निजीकरण करने नहीं जा। उन्होंने ये कहा था कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन के भुगतान में जो भेदभाव हो रहा है इसको हम खत्म कर देंगे, उनके जो प्रोविडेंट फंड का घोटाला हो रहा है इसकी हम जांच कराएंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो कर्मचारियों की पदोन्नति का सवाल है, उस पदोन्नति की और जो उनको ग्रेड को देने का सवाल है उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा दादा, आप प्रदेश सरकार की तरफ से अरेस्टिंग चालू हो गई है बिजली अधिकारियों की, नेताओं की, तो क्या कहना है आपका? अब सरकार कई जगह सस्पेंड भी कर दिए गए अधिकारी कर्मचारी, परंतु कर्मचारी इससे डर नहीं रहा, बल्कि आप देख रहे होंगे अपने चैनलों पर कि पूरे बिजली कर्मचारी में पूरे प्रदेश में उबाल है, और जिस तरीके से यहाँ कर्मचारी जमा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी जमा हुआ है, जेल जाने के लिए तैयार है। परंतु जो सरकार दहाड़ रही थी अब से 2 घंटे पहले तक, अब उसने मिमियाना शुरू कर दिया है और दोबारा से निमंत्रण भेजा वार्ता के लिए, वार्ता चल रही है। वार्ता में हमारा नेतृत्व दब के कोई वार्ता नहीं करेगा, वो जम के वार्ता करेगा और इस बात को रखेगा कि जो आपने समझौता किया उसको लागू करो, वरना किसी भी स्थिति में आंदोलन वापस नहीं होगा। जिंदाबाद।